दोस्तों, जो अगर आप 10वीं पास हैं और किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के कई पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं और इसके लिए विभाग की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। इसलिए जो अगर आप इस नौकरी में आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए भर्ती होनी है उसका नाम इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक है, जिसमें कि कुल 2,357 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। आपको बता दें कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी मीट्रिक पास कर चुके युवा इसकी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल से लेकर अधिकतम 40 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा और अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। इस नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और न ही कोई इंटरव्यू होगा। सिर्फ 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और टॉप मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को यह नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, इस नौकरी के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपए शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए आवेदन को फ्री रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वैकेंसी पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्किल द्वारा निकाली गई है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। आप और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।